से फाइनल रिजल्ट आर वेरी नियर भाई. आई वॉज डूइंग एनालिसिस बैठ बैठ के ना, मैं देख रहा था विच आर द कंपनीज आर पेइंग हाई एंड गुड अमाउंट. यू विल नॉट बी बिलीविंग देर आर मेनी कंपनीज हु आर पेइंग 35 lakh to 45 lakh टू प्रीवियसली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. देखो देर आर बिग फोर कंपनीज पीडब्ल्यूसी केपीएमजी डेलॉयट एंड ईवाई हु आर ऑफरिंग गुड अमाउंट ऑफ सैलरी टू प्रीवियसली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट. बट देर आर अदर कंपनीज ऑल्सो हु आर ऑफरिंग द गुड अमाउंट. तो मैंने ना कंपनीज को डिवाइड किया. पहला तो बिग फोर हो गया जिसके बारे में आपने आए दिन सुनते रहते हो. वट आर द अदर कंपनीज हु जो आते हैं. देखो दो तरीका होता है, वो आगे मैं बता दूँ. एक होता है वॉक इन, मतलब कंपनीज में जा जाके अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करो या कंपनीज में जाके अप्लाई करो थ्रू सम ऑफ योर रेफरेंस. या दूसरा है कैंपस प्लेसमेंट जो होता है. एक हो गया वॉक इन, दूसरा कैंपस प्लेसमेंट. ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं, बिग फोर को हटा देते हैं. अब हम आते हैं कि कंपनीज में मैंने कैसे डिसाइड किया. देखो सो ऑल अबाउट सी ए फाइनल न्यू कोर्स एंड चेंजेस इन द न्यू कोर्स आई एम गोना डिस्कस टुमारो एट 29 दिसंबर 10 बजे रात को. आ जाना, सारी एक एक डिटेल बताऊंगा, लिंक बिलो द वीडियो. नॉर्मल मैं सबसे आगे बताऊंगा आपको. सर दो सेक्टर में डिवाइड किया मैंने, एक सर्विस सेक्टर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. सर्विस सेक्टर में मेनली मैंने दो जो कंपनीज को मैंने उठाया है, द कंपनीज आर एयरटेल एंड एसेंचर AACCNTURE. डिस्क्लेमर बिफोर द वीडियो, इफ एनी प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग डोंट जज मी. कंटेंट देखो, ठीक है, एयरटेल एसेंचर दे पे अ गुड अमाउंट टू द फ्रेशली क्वालिफाइड एंड दे आर सर्विस प्रोवाइडर. ये हो गया सर्विस में, मैंने सर्विस में दो को उठाया. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा अमाउंट पे करती है फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दे वॉन्ट टू टेक फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अच्छा अमाउंट भी देती है. वॉट आर द कंपनीज आई एम लिस्टिंग आउट द कंपनीज. आपका हो गया HUL, आपका हो गया वेदांता, जॉनसन एंड जॉनसन, महिंद्रा, नेस्ले, रिकेट, आदित्य बिरला ग्रुप, मैरिको, हीरो मोटर कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस, वेदांता बोला मैंने, मॉन्डेलिजा बोला एंड बस इतना समझ लो. मैंने इतने कंपनीज अभी निकलवाए हैं मैन्युफैक्चरिंग की. ठीक है, ये हो गया सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग में. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं देख रहा था विच आर द कंपनीज वर पेइंग मोर देन 25 lakh टू द फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. देयर आर मेनी कंपनीज. हाईएस्ट अभी तक गया विंक कॉरपोरेशन, VINK विंक कॉरपोरेशन, विच आर पेइंग एटलीस्ट 43 lakh और समथिंग, मोर देन 40, ठीक है, मोर देन 35 कर लो, 35 lakh विंक कॉरपोरेशन. अभी तक का हाईएस्ट अभी वही पे किए हैं. ठीक है, अदर कंपनीज में कौन कौन है, एक अदर कंपनीज में कौन कौन है जो इंटरनेशनल पोजीशन, ये जितनी भी कंपनीज मैं आप बताने वाला हूँ सारे इंटरनेशनल पोजीशन के हिसाब से देखना. तोलाराम ग्रुप, एवरी वन आर हार्ड अबाउट इट. तोलाराम ग्रुप दे आर पेइंग अप्रॉक्स 35 lakh. अफ्रीकन आपको बाहर जाके अफ्रीकन कंट्रीज में काम करना पड़ेगा. नेक्स्ट कमिंग टू ETG ग्रो, स्विस, सिंगापुर, ओलाम एग्रो OLAM ओलाम एग्रो, DE100, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड कोलगेट इज पेइंग 25 to 27 lakh बीच में पे करता है. ठीक है, दिस आर द इंटरनेशनल कंपनीज हु आर पेइंग अ गुड अमाउंट फ्रॉम स्टार्टिंग मोर देन 25 lakh गोइंग टू 42, 43, 44 lakh. देर आर अदर कंपनीज, इफ एनीवन वांट और एनीवन इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यू कैन गो फॉर Deutsche Bank. वो लोग कितना पे करते हैं, दे पे एटलीस्ट मतलब दे पे अप्रॉक्स 30 lakh एंड नाउ इट्स ऑल 30 lakh या 30 lakh. नाउ these are the companies coming to these are the companies like service sector, manufacturing and international companies other than big four. ye sari cheeze to ho gayi. package vary from companies to companies and also package varies from the person who is giving the interview. how you can negotiate to the person who is taking, they will be giving you a fixed amount. उसमें नेगोशिएट करना, अपने इंटरव्यू में आप कैसे प्रेजेंट करते हो, इंटरव्यू कैसे जाती है, अदर फैक्टर्स भी बहुत सारे रहते हैं. मैं ये वीडियो में सिर्फ ये बताने वाली थी कौन कौन सी कंपनीज है जो ज़्यादा पैसा देती है एक सीए को और कितना पैसा देती है. मुझे भी ये नहीं पता था. टुडे व्हेन आई वेंट फॉर द रिसर्चिंग इट आउट देर आर मेनी कंपनीज विच आई
कि विच आई जो मुझे पता चला अभी कि ये कंपनीज इतना इतना देती. नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ माई गोल, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. ये देखो मैं डायरी मेंटेन करता हूँ, तो ये डायरीज में मैंने पूरे लिखे हैं अभी, ठीक है. तो नाउ नेक्स्ट प्लान ऑफ माई इज आई विल बी सेंडिंग लैंडिंग रिक्वेस्ट टू ऑल द एचआर एंड ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनीज एंड मेकिंग अ कॉन्टैक्ट विद देम. बहुत सारी कंपनीज के ऑलरेडी जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज है और क्वालिफाइड सी एस जो उस कंपनी में काम करे हैव बीन अ कनेक्शन ऑफ माई. नाउ आई विल बी सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू द कंपनीज एम्प्लॉयज और सी ए हु आर वर्किंग देयर एंड दे आर नॉट इन माई कनेक्शन. नाउ आई विल बी सेंडिंग देम कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड विल बी अब उन लोग से भी कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाऊंगा एंड उनसे रेफरेंस लूंगा उस कंपनीज के लिए वेयर एवर आई विल बी अप्लाइंग. सो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो ऑफ विच कंपनीज आर ऑफरिंग द हाउ मच टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई होपफुली यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड विद अ मोर गुड कंटेंट. थैंक यू सो मच.